तो ये देख लो भाई, यहाँ पे बनने जा रही है टिक्की अपनी, किस तरीके से ये बनाई जाती है, शॉप वाले किस तरीके से बनाते हैं, चाट पापड़ी वाले, गोलगप्पे वाले टिक्की किस तरीके से बनाते हैं, ये देख लो सवा रखा हुआ है, ये क्या क्या चीजें माल मसाला इसमें मिलाया जाता है, ये सारी चीजें आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टिक्की बनाना सीखते हैं किस तरीके से ये बनाई जाती है। ये देख लो यहाँ पे बनने जा रही है आलू की टिक्की, जो हम खाते हैं ना स्ट्रीट फूड मार्केट में गोलगप्पे वगैरह के साथ, आलू की टिक्की बनने जा रही है। ये यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं जिनको, तो ये देख लो यहाँ पे टिक्की बनना अपनी शुरू हो गई है, उसकी स्टफिंग कर रहे हैं भैया। छोड़ दिए तवे के ऊपर, तो ये देख लो यहाँ पे टिक्की एक साइड से पक चुकी है, अंकल उनको पलट रहे हैं। ये देख लो इस तरीके से, ये ऐसी गोल्डन ब्राउन रहती है, फिर जब कस्टमर मांगते हैं तो इसको दबाते हैं अच्छे से, फिर और फ्राई करते हैं, क्रिस्पी बना के उसको बिल्कुल देते हैं चाट पापड़ी के साथ, प्याज वगैरह लगाते हैं, चटनी वगैरह लगाते हैं। तो ये देख लो टिक्की यहाँ पे बन चुकी है। अब ये लिए ऐसे हाथ में दबा के दीजिए, कोई हाथ में ही दबा देता है, कोई तवे में ही दबा के दे देता है। ये देख लो आप अंकल, अब कितनी देर तक पकने देंगे, 2 मिनट तक? तो 2 मिनट इसको और लगेंगे पकने में, उसके बाद जो भी अंकल करेंगे या जिस तरीके से बनाएंगे वो आगे दिखाएंगे। देखते हैं, ये देख लो जैसे ही एक साइड से हो जाती है तो उसको पलट के दूसरी साइड से पकाते हैं इस तरीके से। ये देख लो अब ये दूसरी साइड से भी हो गई है, तो इसलिए इसको दूसरी साइड से पका रहे हैं।